प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम सर। नहीं सर इससे पहले भी कुछ लिखाए थे? ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला लिखाए थे नीचे? श्वेता, श्वेता कुमारी, श्वेता सिंह, याद नहीं है मुझे सर, बता रहे। आर इजकल टू सिग्मा एन, बहुत दो तीन लिखा है जिसमें से कौन बोले? पहला लिखा है आर इजकल टू एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई बाय रूट अंडर एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर रूट आर एन एक भीतर है ना, अंदर है एन, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, और उसके बाद एन सिग्मा वाई वाई स्क्वायर और माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर।
को निकालिए कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन।
सर 0.13 इस फॉर्मूला पर डाल के बनाओ तो कितना आ रहा है इस फॉर्मूला बस बस आठ प्रणाम सर
सर ये जीरो आ जाता है। सर ये जीरो आ जाता जीरो आ जीरो आ क्योंकि सर ये जो है ना एक्स माइनस एक्स बार जो है वो जीरो हो जाता है, वाई माइनस वाई बार जीरो हो जाता है। उस सूत्र से निकालते हैं तो 0.13 निकलता है। कितना आता है? 0.1348 आता है। हाँ हाँ तो 0.13 ही हम बोले, दो ही अंक तक लिए। हाँ, जी हाँ, और इस फॉर्मूला से x माइनस x बार का ये जो है वो जीरो आ जाता है, y माइनस y बार का जीरो आ जाता है। हाँ, तो टोटल जीरो ही हो जाएगा, टोटल जीरो हो जाएगा ऊपर का। हाँ लेकिन फिर दोनों फॉर्मूला अगर है तो सेम आना चाहिए ना, जीरो से जीरो के बीच में आना चाहिए, प्लस जीरो माइनस जीरो के बीच में आ। उसी का इस्तेमाल करना है इसको चेक। थर्ड माइनस वन से प्लस वन के बीच कोफिशिएंट अब इसका निकालने के लिए तो आर बट्टे उसको 1.67 कुछ ऐसा लिखना पड़ता है ना कोफिशिएंट का पूर्व बटा। आर कितना आया है? 0.13 0.13 coefficient of correlation. Coefficient correlation. Second. आपका आवाज नहीं आ रहा आदि, नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ। मनीषा दी सेकंड वाले सूत्र से क्या आ रहा है? 0.7 से इतना आर इज इक्वल आवाज आ रहा था सबका बोले दे। हाँ दे आ रही है, क्या पूछे?
पूछना था सर, एक मिनट। पूछना था सर कि जैसे एक्स स्क्वायर निकालना है तो करेंगे ना, जैसे एक्स स्क्वायर वाले कॉलम में दो दूनी चार करेंगे, फिर चार चौक सोलह करेंगे, अच्छे अच्छे को 36 करेंगे, ऐसे ना करो उसी पर 2 × 2 × 4 × 6। अब आई स्क्वायर निकालने में भी वैसे ही करेंगे, गुना कर देना है सामने सामने, चार चार दुनिया आठ करके ना। हाँ एक्स वाई जो है ना वो ही चार दुना आठ, चौके 32, छह चौके 24, और लास्ट में उसका समेशन होगा जोड़ भी। हाँ हाँ हा, समेशन नहीं आ रहा है। फर्स्ट वाले से क्या आंसर आया श्वेता? आंसर नहीं आ रहा। 0.13 आया है दी। सेकंड वाला वो जो ये बता, देखो यहाँ तक तो सही है। R is equal to 8/√-144 × √44, ठीक है? 44 किधर है? नीचे 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 देखो, पहले फर्स्ट ही से देखो थोड़ा। R is equal to 112/4, फर्स्ट लाइन बता रहे हैं। 120 आएगा। एक मिनट श्वेता सरन, जैसे फॉर्मूले में लिखा हुआ है एन एक्स समेशन एक्स वाई, तो ये जो एक्स को जोड़ी हो पूरा तो 20 आया है ना, वाई को जोड़ेंगे तो 26 आएगा दीदी। तो नहीं, वाई को जोड़िएगा, वाई का सम 22 है, 26 नहीं है। हाँ 16 6 22, हाँ 4 4 8 4 8 4 12 4 16 16 6 22। हाँ ठीक, एक्स स्क्वायर। हाँ नहीं नहीं दी, तो समेशन एक्स वाई है, एक्स वाई का समेशन बोल रहा है, एक्स वाई का समेशन 112 है। हाँ तो दोनों को जोड़ के ना। नहीं दीदी, एक्स वाई जो है ना तो उसमें 4 × 8 एक्स और वाई, ये दोनों को जोड़, ये दोनों को गुना करके एक्स वाई वाला कॉलम में रखिए। अच्छा वो कॉलम को जोड़ना है। हाँ हाँ 4 × 8 8 × 32 6 × 24 48, उसको जोड़िएगा 122 आएगा आपको। कितना है तुम्हारा? तुम्हारे से जोड़ 112 स्क्वायर का समेशन होगा 132। हाँ एक्स स्क्वायर का 120। अब ये नीचे वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना था, एक्स बार वाला नहीं करना था, उससे तो जीरो आ जाता है, एक्स माइनस एक्स बार का समेशन जीरो आ जाता है। ऊपर वाला से कर लेना है ना। हाँ ऊपर वाला से कीजिएगा ना तो 0.13 आएगा। अच्छा करके देखिए लेते हैं, नहीं तो कर लीजिए ना, कर लीजिए ना। क्या? हाँ दी, हाँ श्वेता दी, आप क्या बोल रहे थे? श्वेता दी कुछ पूछ रही थी। वही 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 गलत हो गया, 64 कर दिए थे, वही उतार 120 के जगह पे, इसलिए गलत हो रहा है। इसीलिए या नीचे तो फिर वही है, 528 − 448 = 84 है, ठीक है? एक मिनट सभी लोग सुन लो प्लीज। सर यहाँ पर जब हम एक्स स्क्वायर निकालते हैं इस वाले फॉर्मूले में जो आपने लिखा हुआ है, इसमें जब हम एक्स स्क्वायर निकालते हैं तो उससे पहले ये जो एक्स स्क्वायर है ये एक्स माइनस मीन होता है ना, एक्स माइनस मीन उसका स्क्वायर। कौन वाले में? सर इसी वाले फॉर्मूले में जो हमने ये लिखा हुआ है यहाँ पे समेशन एक्स वाई, दूसरा फॉर्मूला की पहला फॉर्मूला। सर पहला फॉर्मूला समेशन एक्स वाई। हाँ सर ये जो समेशन एक्स वाई है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, हाँ है ना, जिसको हम निकालते हैं एक्स माइनस एक्स बार से। अगर मुझे स्मॉल एक्स निकालना है तो एक्स माइनस एक्स बार, सर उसके बाद में यहाँ बिल्कुल सही आएगा आंसर, सर जीरो ही आएगा इससे भी। क्या निकालने पे? दरअसल क्या होता है ना,
जैसे हमने पीछे वाला जो अभी दूसरा वाला जो फॉर्मूला किया था तो उसमें हमने आंसर हमारा जीरो आया, वो इसलिए जीरो आया क्योंकि हमने उसे मीन निकाल के किया था, है ना। इस वाले फॉर्मूले में भी मीन निकलता है, इसमें मीन क्यों निकलेगा, इसमें तो मीन नहीं इसमें निकलेगा। एक्चुअली आप डायरेक्ट करोगी ना तो वो ठीक नहीं है। मैंने ना 11th क्लास की बुक में जहाँ पर रहता है ये कोरिलेशन, ठीक है, उसमें मतलब देखा था तो आंसर सेम आएगा अगर आप इसी तरह से करोगी और इसी सेम फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करोगी तो। अच्छा, अभी हम भी उल्टाए हुए हैं, ग्रेजुएशन वाला जो होता है पूरे इसका, इसमें हम एक बार देख लेते हैं। एसपी सिंह का उल्टाए हुए है स्टैटिस्टिक्स, इसमें तो ऐसा नहीं। अच्छा, हम देखेंगे, बीएन गुप्ता का भी है बुक स्टैटिक्स का, हम भी नहीं चेक किया है इसमें। तो एक चीज है ना, अगर फॉर्मूला एक्स वाई है तो फिर ये कैसे इसमें सोचिएगा क्या एक्स माइनस एक्स बार करके है, मतलब दरअसल ये जो यहाँ वैल्यूज दे रखी हैं 2, 4, 6, 8 है ना एक्स की वैल्यू, ये दरअसल इसको बोलते हैं कैपिटल एक्स। अच्छा, है ना। फिर हम क्या करते हैं, स्मॉल एक्स निकालते हैं, स्मॉल एक्स निकालते हैं एक्स माइनस मीन। अच्छा ठीक है, एक्स माइनस मीन निकालने के बाद में वो उसको बोलते हैं स्मॉल एक्स, फिर स्मॉल एक्स का स्क्वायर करते हैं। अच्छा, ठीक है, उससे स्मॉल एक्स का स्क्वायर आएगा। सिमिलरली हम वाई में करते हैं, ठीक है, फिर उसको करेंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद में जो स्मॉल एक्स इंटू स्मॉल वाई है वो थर्ड वाले में आ जाएगा, स्मॉल एक्स इंटू स्मॉल वाई। आप ऐसे करके देखिए आंसर आ जाएगा। जो डिजिट दिया हुआ है और उसमें ये इंडिविजुअल सीरीज का ये है जो सर दिए हुए हैं, उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज है। लेकिन जो ये एसपी सिंह का जो है उसमें जैसे हम लोग बनाए वैसे ही दिया हुआ है। अच्छा, अभी जैसे बनाए हैं, अभी जैसे हम लोग बनाए हैं उसको 0.13 वाला जो आंसर आया है, हाँ वैसे ही दिया हुआ है कि x का पूरा समेशन x किया, x स्क्वायर किया, फिर y का समेशन y किया, फिर y स्क्वायर किया और x और y को मल्टीप्लाई करके लिखा, जैसे हम लोग किए हैं सेम वैसा ही दिया हुआ है। हम इसको ग्रुप में भेज देंगे। अच्छा ठीक है, हम भेज रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। अच्छा ठीक है, हम अभी बुक नहीं निकाले हैं, अच्छा बुक निकाल के भी चेक करेंगे कैसे दिया हुआ है। जैसे फॉर्मूले पे सिर्फ बैठाने के लिए बता दो ना हमको, जैसे n है फॉर्मूला में, है ना 4, n 4 हो गया। अच्छा 4 कैसे लाई हो, चार डिजिट है ना, x सीरीज y सीरीज में काउंट कीजिए कितना नंबर है उसमें, पूरा जो नंबर है वही है ना n। हाँ तो हाँ तो चार है ना उसमें, 4×112 हो जाएगा ना, जैसे 4×112 4×112 बटे में फिर एन 4 हो जाएगा, हाँ 4 गुने 120 माइनस 120 नहीं, गुने 120 हुआ ना माइनस 4, हाँ 20 का होल स्क्वायर होगा ना, 20 का होल स्क्वायर तो 20×20 400 हो गया ना, 20 का होल स्क्वायर है तो 400 हो गया ना। ये अज्यूम्ड मीन मान के किया है, शॉर्टकट मेथड है ये, समझे, 4×120 आंसर तो सभी से सेम आता है ना। अरे ये अज्यूम्ड मीन मान के किया है, ये शॉर्टकट मेथड है, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन कोरिलेशन का आंसर तो हर एक मेथड से सेम आता है। हाँ तो उससे इससे सेम आता है, तो उससे जीरो आया तो उससे पता नहीं क्यों जीरो आया, उसको फिर और चेक करने का विषय है, लेकिन ये अज्यूम्ड मीन मान के किया है, शॉर्टकट मेथड है ये। अगर आप सीरीज को भी देखेंगी ना तब भी कोई रिलेशन नहीं है। नहीं, रिलेशन की बात नहीं, आप जो भेजे है ये इससे भी सेम ही आंसर आएगा, कोई आंसर में डिफरेंट नहीं होगा क्योंकि ये शॉर्टकट मेथड है। अच्छा ट्राई करिए आप। हाँ हम ट्राई कर लेंगे, लेकिन ये शॉर्टकट मेथड है, वैसे जो हम लोग बनाए वो डायरेक्ट मेथड है। स्टैटिस्टिक्स में जब हम मीन डेविएशन मीन बनाते हैं, ये मीन एक्स बार निकालते हैं तो वो शॉर्टकट मेथड से भी मांगते बनाते हैं और वो हम नॉर्मल मेथड से भी बनाते हैं, तो ये जो दिया हुआ है ये शॉर्टकट मेथड है, इससे बनाना थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाता है, डिजिट छोटा हो जाता है,
इसीलिए ये दिया गया है, और उस दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये शॉर्टकट मेथड है, वो डायरेक्ट मेथड है, आप सर से पूछ सकते हैं। रिलेशन का जो भी मेथड अपनाना उत्तर सेम आना चाहिए। ये बात तो है कि आंसर मैंने आपको डायरेक्ट मेथड भेजा है अभी। हाँ, ये जो भेजे ये शॉर्टकट मेथड है। अब मैंने आपको डायरेक्ट भी भेजा है, उसको चेक करिए। हाँ, x minus x बार देखिए, इसमें भी वैल्यू रखेंगे ना तब भी आंसर जीरो आएगा। इसमें x आपका दिख नहीं रहा, अच्छा क्लियर करके ठीक है, मैं करता क्लियर करके। हमको ये लग रहा इसमें जो किया है ना वही x minus x बार जो किया है उसको स्मॉल x किया है, ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक, समेशन x स्क्वायर तो हो गया 28, तो x माइनस x बार करके ही किया है। हाँ वो एक्चुअली डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट आएगा ही डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट किए ही नहीं है, डायरेक्ट एक्स बार निकाल के किए थे वो, वो एक्स बार पहले निकाले हम, एक्स बार में से माइनस किए, लास्ट में तो एक्स बार निकाले हैं, सेकंड वाला जो बनाया है ना एक्स माइनस एक्स बार ये वाला, तो इसमें इसमें अपना लोग का जीरो आता है, और अगर ये फर्स्ट मेथड में भी जैसे इनका ये बताया कि स्मॉल एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार इसके थ्रू कीजिएगा तो फिर जीरो ही आएगा। हम समझ नहीं पा रहे, थोड़ा हम दिमाग लगा रहे हैं, हम समझ नहीं पा। आप ऐसा करिए, जो मैंने दोनों फॉर्मूला भेजे हैं ना, हाँ, उसमें दोनों फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करके तब करिए इसको, तब देखिए। मतलब ये किया है ना कि आप x small x equal to x minus x bar, हाँ जी हाँ जी, मीन मीन निकालने के बाद, हाँ मीन निकालना है, और y equal to y minus y bar मतलब मीन हो गया, y बार मीन हो गया, x बार मीन हो गया, तो फिर x y जो है फिर वो दोनों को फिर ये मल्टीप्लाई किया है small x small y, हाँ जी, फिर उसका कैलकुलेशन होगा, तब हमको लगता है सेम ही तब आएगा। x का किया, x बार निकाला, x बार इसका 5 आया, x बार में से x को जितना है सबको माइनस कर लिया, x तो वही तो हम लोग भी किए हैं, x में से जैसे 2, 2, 4, 5, 6 आया, हम लोग का x बार 5 आया, 5 से उसको माइनस किया 2 को, 3, 4 को, 6 को, 8 को, माइनस 3 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 3, ये x माइनस x बार आया है, इसका सम जीरो हो जाता है, तो सम y माइनस y बार हो गया माइनस 1.5, 2.5, माइनस 1.5, 0.5, प्लस 2, 0.5, हाँ 0.5, तो ये आ गया। श्वेता सर, तो ये तो आप, तो अब क्या, अब ये करना है कि इसको स्मॉल x मानना है, x माइनस x बार को, ठीक, y माइनस y बार को स्मॉल y मानना है, स्मॉल y उसी को मानना है ना, हाँ तो यही किया है ना, तो फिर इसको फिर x y जो मतलब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 इंटू माइनस 1.5 ऐसे करके ऊपर में, तो हर हाल में जो x सिग्मा x माइनस x बार और y माइनस y बार, ठीक है, तो ये जो है x माइनस x बार वो तो जीरो ही आ रहा है ना, नहीं उसका समेशन ना, सम ना जीरो, अब x y जो स्मॉल x स्मॉल y को जो मल्टीप्लाई कीजिएगा उसका ना फिर सम कीजिएगा, तो माइनस 3 इंटू माइनस 1.5 ऐसे करना है, ठीक, रुकिए हम एक बार करके देखते हैं। अच्छा हम कर मतलब ये कि x माइनस x बार को आप स्मॉल x मानिए, x माइनस x बार को स्मॉल x मानिए, ठीक, हाँ, y माइनस y बार को स्मॉल y मानिए, स्मॉल y, तो दोनों जीरो आया ना, नहीं दीदी दोनों जीरो कहाँ आया, अब ये दोनों x y का जो है ना, अब x इंटू y हुआ ना, एक है ना एक्स वाई जो सर ये सीरीज में लिखे एक्स वाई, तो अब स्मॉल एक्स स्मॉल वाई इसमें जो सम भेजे हैं ये,
उसमें तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई करके कहाँ कुछ दिया हुआ है, मतलब जैसे ये आकाश जी जो बोल रहे हैं तो इस फॉर्मूला पे हम एक बार बना के देखते हैं, फिर स्मॉल बताओ, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा हम ये जो बोल रहे हैं ना हम उसके थ्रू एक बार करते हैं क्या, तुम बना करके उसको करो तो व्हाट्सएप क्या कर रही है कैसे कर रही है। लेकिन ये जो है x माइनस x बार ये करने पे तो ऐसे है जीरो आ रहा है, उसके बाद x स्क्वायर किया जीरो हुआ, y स्क्वायर जीरो आया, लेकिन फॉर्मूला जो है फॉर्मूला x माइनस एक्स वाई बराबर y माइनस कितना आया पूरा कैलकुलेट करके, टू आ रहा है नहीं है, ये नहीं, हम इसका कैलकुलेशन पूरा नहीं किए हैं। अच्छा, एक्स वाई का एक्स वाई कर रहे हैं, एक्स वाई का किए हैं। हाँ, एक्स वाई कैलकुलेट करके कितना आया था, फाइव आया, फाइव इसका सम। हाँ, सम एक्स बाई मल्टीप्लाई करने के बाद सम किया, पहला आया 4.5, दूसरा आया -2.5, तीसरा आया -1.5 और चौथा आएगा 4.5। 4.5 0.5 इनटू 3 ना, तो 1.5 आएगा ना, 1.5 इनटू 3। हाँ नहीं, 0.5 है वो, आप देखिए ना y माइनस y बार 0.5 है ना, y माइनस y बार कितना आता है ये, नहीं 6 है ना। अच्छा 6 माइनस 5.5 है ना, तो 0.5 ही ना आएगा। ठीक है तो ये माइनस 1.5 प्लस 1.5 ये दोनों तो कट जाएगा, 4.5 माइनस 2.5 आ गया 2, ठीक ये भी 3 आ जाएगा, 2.5 नहीं, 4.5 माइनस 2.5 माइनस 1.5 प्लस 1.5, तो माइनस 1.5 प्लस 1.5 ये तो कट गया, 4.5 माइनस 2.5 की जगह तो 2 आएगा, ठीक। तो अब इस पे हम एक बार कैलकुलेशन करके देखते हैं क्या आता है। सुनो, हाँ दी श्वेता, हाँ 4 माइनस 5.5 8 माइनस 5.5 4 माइनस 5.5 6 माइनस 5.5 ये करने के बाद बोल रहे हैं, सुनिए दी, 3 माइनस 3 इनटू माइनस 1.5 कीजिएगा तो 4.5 आएगा, ठीक। माइनस 1 माइनस 3 इनटू माइनस 1.5 है ना,
एक्स माइनस एक्स बार का पहला नंबर माइनस थ्री है, वाई माइनस वाई बार का पहला माइनस वन पॉइंट फाइव है। प्लस वन माइनस फाइव है, फिर दूसरा है टू पॉइंट फाइव, फिर तीसरा है वन माइनस वन पॉइंट फाइव, चौथा है प्लस जीरो पॉइंट फाइव, टू पॉइंट फाइव प्लस है और प्लस जीरो पॉइंट फाइव है, तो दोनों जोड़ करके तीन आ जाएगा। वन पॉइंट फाइव माइनस में है, जोड़ कह रहे हैं दी, जोड़ कह रहे हैं दी, गुना में ना है सब, रुकिए दी हम बताते हैं। माइनस थ्री इंटू माइनस वन पॉइंट फाइव ये आ गया फोर पॉइंट फाइव, माइनस वन इंटू टू पॉइंट फाइव हो गया माइनस टू पॉइंट फाइव, प्लस वन इंटू माइनस वन पॉइंट फाइव हो गया माइनस वन पॉइंट फाइव, प्लस थ्री इंटू जीरो पॉइंट फाइव हो गया प्लस वन पॉइंट फाइव, सिक्स कैसे होगा, थ्री इंटू जीरो पॉइंट फाइव को गुना कीजिएगा तो वन पॉइंट फाइव ना आएगा, जीरो पॉइंट फाइव बनाएगा। वही तो हम तुमको बोल रहे हैं जीरो पॉइंट फाइव। हाँ दे जरा सा एक बार फॉर्मूला पे कैसे कैसे बैठाई हो जरा सा एक बार बोलो। हाँ दे, हाँ दे, बता रहे पहला जो लिखे है ऊपर में चार इंटू एक सौ बारह ऊपर वाला से बोलना, चार इंटू एक सौ बारह, एक सौ बारह माइनस माइनस बीस इंटू बाईस, बीस इंटू बाईस बट्टा में अंडर रूट चार इंटू एक सौ बीस माइनस चार सौ, बीस का होल स्क्वायर दी, वही समेशन एक्स का होल स्क्वायर है ना, समेशन एक्स बीस आया है तो बीस का होल स्क्वायर चार सौ हो गया। इसी तरह फिर अंडर रूट चार इंटू एक सौ बत्तीस, चार इंटू एक सौ बत्तीस माइनस चार सौ चौरासी, चार सौ चौरासी हो गया बाईस का स्क्वायर। अच्छा हाँ, तू जो जोड़ के लाई हो बाई वाला, बाई हाँ 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 दी बाई का हॉल है, हाँ दी। अब फिर ऊपर अंडर में जाएगा तो 112 गुने चार कितना होगा, 112 चार सौ अड़तालीस, चार सौ अड़तालीस हाँ, चार सौ अड़तालीस माइनस चार सौ चालीस आपको लिखा देते हैं, जल्दी जल्दी लिखिए हमें। अच्छा आकाश जी आप उसमें दो दे के बना के देखिए तो क्या आता है, किसको किसमें दो देखे तुम करे आकाश जी, ये एक्स वाई का जो समेशन दो आता है ये फॉर्मूला डाल के देखिए ना एक बार इस वाले में, हम तब तक दीदी को बता देते हैं। अच्छा एक्स वाई कैलकुलेट करने के बाद हाँ, दो आ रहा है, हाँ हाँ दो आ रहा है, दो दे के आप देखिए एक बार क्या आता है, ठीक है तो हाँ एक्स वाई में दो आ रहा है। हाँ दी अब ऋतु दी हाँ, आप लिखिए चार सौ अड़तालीस माइनस चार सौ चालीस बटा में अंडर बटा में अंडर रूट अस्सी इंटू अंडर रूट चौवालीस होता है, ठीक हाँ अंडर रूट चौवालीस तो ऊपर में आठ आ जाएगा, हाँ हाँ घटेगा आठ बट हाँ आठ बटा में हो जाएगा, हाँ आठ बटा में हो जाएगा आठ, अस्सी बोली हो ना नीचे में, अंडर रूट अस्सी का जो निकालिएगा ना दी तो वो आ जाएगा 8.944 9.44 हाँ, और अंडर रूट चौवालीस जो है उसका आ जाएगा 6.633 हाँ, ठीक अब 8.944 इंटू 6.633 को गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 59.325 कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 0.13 चार डिजिट में आता है 0.1348 और भी आप दो डिजिट ले लीजिए 0.13 आंसर। अच्छा सेकंड वाला से 0.76 है, सोता कितना है सेकंड जो फॉर्मूला था, सेकंड वाला फॉर्मूला पे दी कहाँ आया था, उस पे जीरो आया था तो वो r इक्वल टू समेशन x माइनस x बार इनटू y माइनस y बार बटा अंडर रूट हम दो दे के बना के देखते हैं।
बना के व्हाट्सएप करना तो कैसे बनाएंगे? स्क्रीन हट गया ना सर का 0.26 कितना आया? 0.26 तब सही आया होगा। नीचे वाला तो सब सेम ही रहेगा, ऊपर में 4 × 2 8। तुम किस फॉर्मूला से ये बनाई हो? ये आकाश जी जो बोल रहे थे ना कि स्मॉल x इक्वल टू x माइनस x बार और y इक्वल टू y माइनस y बार, हम वो चीज बोल रहे थे, एक बार देख के देखो। इसमें तो जीरो नहीं आया। हाँ वही मैं देख रहा हूँ, जीरो नहीं आया क्योंकि वो मेरी कैलकुलेशन गलत हो गई थी। अच्छा वही तो, ये वाला जो अभी सर जो बताए हैं x y ये दोनों का, ये तो बुक में भी इस टाइप से है एक फॉर्मूला पे, पता नहीं बहुत सारा टाइप का फॉर्मूला है। बहुत सारा टाइप का फॉर्मूला नहीं है, बस एक तो फ्रीक्वेंसी वाला है, एक विदाउट फ्रीक्वेंसी वाला है, एक इंडिविजुअल सीरीज वाला है, एक नॉन इंडिविजुअल सीरीज का। तो एक जो आकाश जी जो भेजे हैं तो उसमें तो स्मॉल x इक्वल टू x माइनस x बार और स्मॉल y इक्वल टू y माइनस y बार जो दिया हुआ है, हम पूरा देखे नहीं है, हम देखेंगे तो हम फाइनल करेंगे क्या है उसमें। हमको जो ये बोल रहे हैं ना वो सेम ही दिया हुआ है, कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा है उनका, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं वो सेम है। तो अच्छा, हम सोच रहे हैं जो मेरे बुक में है वही उनके बुक में भी। अच्छा हम अपना बुक नहीं देखे, हम अपना बुक देखेंगे तब। वो अलग मेथड नहीं होता है, ऐसे ही होता है, वो सिर्फ उसका एक्सपेरिमेंट का होता है ना तब वो अलग बनता है। कार्ल पियर्सन का सेम ही बनता है, एक्सपेरिमेंट का जब होता है वो अलग बनता है। अच्छा कार्ल पियर्सन का तो ऐसे ही बनता है। हाँ इस टाइप का तो बनाया है, ठीक है देख लेंगे क्या है। नेट नहीं सपोर्ट कर रहा सर का बार बार वो उधर। अगर कट रहा है नेट प्रॉब्लम लगता है इसीलिए। अरे ये प्रताप सरन जी सर, कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला जो है जी सर, पियर्सन कोफिशिएंट पियर्सन का फॉर्मूला जो है जी सर, वो है आर इज इक्वल टू समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार अपॉन रूट समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर समोशन वाई आई माइनस वाई बार स्क्वायर। एक्स जो है 2, 4, 6, 8 है, वाई भी जो है 2, 4, 6, 8।
को दोनों मेथड से बनाना है, पहले वाला जो था मेथड सर, इस अभी इस मेथड पे सर पहले बनाएंगे ना, मेथड से बनाओगी जी सर दोनों पे? ठीक है सर बनाते हैं। इस मेथड का फॉर्मूला यही ना है n into summation x y minus summation x into summation y under root n into summation x square minus summation x ka whole square। फिर y पर summation y square कभी n लगेगा ना? Yes sir। Yes sir। जी इसमें भी n लगेगा। n into summation y square minus summation y ka whole square, square minus summation y whole summation y ka whole square, इसी दोनों से बना के लाना है। इसी मेथड्स का नहीं इस्तेमाल आप किए हैं आकाश? यस सर, वो सर मेरी गलती हो गई थी सर कैलकुलेशन में। दोनों मेथड से बनाइएगा घर से बना के। ठीक है सर बना लेंगे सर। प्रणाम सर। सर नमस्ते। प्रणाम सर। प्रणाम सर। सात आठ बार कटा है पूरा जी। निशा आज बहुत भूलली, संभाल रही है पूरे ग्रुप को। सर हमको वो जो बोल रहे हैं ना वो समझ में नहीं आ रहा था कि जो हम समझ रहे हैं अपने बुक से समझ रहे हैं उनके बुक से समझ रहे हैं दोनों हमको सेम लग रहा है। समझ कैसे आ जाएगा, वो मेल है तुम फीमेल हो। निगेटिव पॉजिटिव तो है सर, ये बात तो है। अगला दिन जो है वो क्लियर हो जाएगा। सर हम तो दोनों पे बनाए थे, दोनों का सर डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहा था, हम तो दोनों बोल रहे थे। हाँ एक पे 0.76 आ रहा, दूसरे वाले से हम कर नहीं 0.13 आ रहा था सर पहले वाले फॉर्मूला पे, सेकंड वाला पे तो जीरो ही आ रहा था। कैलकुलेटर से बना फर्स्ट वाले पे जीरो उसमें कैसे आ रहा है? मोबाइल कैलकुलेटर जी, कैलकुलेटर मोबाइल कैलकुलेटर भी यूज करते हैं दोनों सर। ऐसे जो नॉर्मल होता है सबको तो हाथ से ऐसे ही बना लेते हैं। बैटरी बदल लो, नया बैटरी दो। नहीं सर आसान मोबाइल का कैलकुलेटर ही यूज करते सर, और दूसरा कैलकुलेटर पहले वाला थोड़ी यूज करते। नहीं तो